YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उटारी रोड प्रखंड में जर्जर हो चुकी मुख्य पथ के निर्माण कार्य आरंभ होने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। इस पथ की बदहाली के कारण पिछले कई वर्षों से लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसे सिटी न्यूज ने कुछ दिनों पूर्व ही प्रमुखता के साथ प्रसारित किया था। अब खबर का असर यह हुआ कि लगभग 83 करोड़ रुपए की राशि से कुटमुसी कादल को जोड़ने वाली पथ का निर्माण कार्य का शुभारंभ हो जाने से लोगों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी है। दो दिन पूर्व ही हमारे संवाददाता द्वारा इस बाबत पूछे जाने पर सूबे के स्वास्थ्य विभाग मंत्री ने भी पथ निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने का आश्वासन दिया था। वहीं जिला परिषद सदस्य मनोज सिंह ने भी कहा कि क्षेत्र के विकास में यह पथ काफी महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है। इस पथ के सेहत में कोताही बरतने का सवाल ही नहीं उठता। परेशानी काफी थी। उतारी रोड और पांडू प्रखंड को जोड़ने वाला ये रोड बहुत ही महत्वपूर्ण रोड था। रोड खराब होने को जैसे बहुत परेशानी थी। अब आज मंत्री जी के प्रयास से, जो क्षेत्र के विधायक स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड सरकार के, उनके प्रयास से ये रोड का कार्य शुरू हो गया। बहुत बड़े जनहित में बहुत बड़े कदम हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई मंत्री जी को और झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को और माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। देखिए, इस पर हम कहना चाहेंगे कि ये जो रोड बन रहा है 19 किलोमीटर जो रोड है कुटमू से नौगढ़ तक जी, ये रोड के लिए हमारे इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक आदरणीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं जी, इस रोड के लिए बहुत ही अथक प्रयास किए और हम लोग सभी कार्यकर्ता इस रोड को बनवाने के लिए उन्हें हम लोग लगातार प्रेरित करते रहे हैं जी। और ये रोड को लास्ट तक अंततः माननीय विधायक जी, सुबह के स्वास्थ्य मंत्री माननीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी के अथक प्रयास से रोड सेंक्शन भी हो गया और रोड का शिलान्यास भी हो गया और रोड में काम भी लग गया।